बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बहन भाई जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे, और उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि खुश रहें, आबाद रहें, खैर वाफियत से। मेरे सारे बहन भाई जो हमें देखने वाले सब खुश व आबाद रहें, खुर्रम रहें, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ अता करे रब्बिल आलमीन। तो जी पहले तो आप सब सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना शुक्र है और उसका बहुत ज़्यादा करम है। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई वो नहीं, सब से बड़ी ज़ात अल्लाह की। उस अल्लाह के बाद जो है आप जो बहन भाई हैं हमारे, जो आपने इतना प्यार और इतनी इज्जत हमें बख्शी कि बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब से राज़ी हो जाए, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए तो उसे और क्या चाहिए। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियों और बहुत सारी नेमतों से नवाजे। और जैसे कि हम बीच पर घूमने गए थे और आप सब की जो प्यारी प्यारी कमेंट्स और जो दुआएं आपने दी और इतनी जो यकीन करें कि दिल को बहुत ज़्यादा एक खुशी हुई, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने बहन भाइयों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें इतना प्यार करते हैं। और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स मैंने पढ़ी अपने बहन भाइयों की, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो प्यार जो दुआएं आपने हमें कमेंट्स में दी हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो प्यार वो दुआएँ अल्लाह पाक आप सबके हक में भी कबूल मंजूर फरमाए रब्बिल आलमीन। और कुछ दिन वीडियो भी नहीं ना बना सका, तो थोड़ी सी थी कुछ मसाइल थे, तो बहरहाल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसी तरह कहीं और भी हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। अपने जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं उनको ज़रा कुछ और भी हम दिखाएं, ज़ाहिर सी बात है कि एक जगह। तो जी जो हमारे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जो बहन भाई हमारे घरों में या अस्पतालों में हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने बड़ाई के सदके में, रहीमी के सदके में अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान सलामती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और कोई नेमत नहीं होती। सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक अब सब बहन भाइयों को जो देखने वाले हैं हमारे, जो ना भी देखने वाले हैं, उन सब के लिए यही दुआएं कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और जी जो हमारी बहनें हैं भाई हैं जिनकी औलादें नहीं हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम हकीरों की हम नाचीज़ों की अल्लाह पाक ये दुआएँ उन बहन भाइयों के हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए रब्बिल आलमीन, के अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे रब्बिल आलमीन, क्योंकि इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। बहुत बड़ी नेमत है औलाद इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से। और जिन बहनों के जो है रिश्ते अगर किसी भी वजह से रुके हुए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे रब्बिल आलमीन, और उनकी ज़िंदगियों में जो है ना खुशियां और रंग अल्लाह पाक भर दे। हमारी यही दुआएं उन बहन भाइयों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए भी दुआएं हैं जो किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी अल्लाह ना करे किसी तकलीफ में, किसी भी तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दुख दर्द तकलीफ़ें उनकी सब अल्लाह पाक अपने रहीमी के सदक़े में, अपने बड़ाई के सदक़े में रब्बिल आलमीन ख़त्म कर दे और उनके लिए आइंदा की ज़िंदगी में वो खुशियाँ देखा है। तो आज जो है मैं फातिमा के लिए कुछ लिख कर आया हूँ। कैसी हो फातिमा? ठीक हो? जोर से बोलो ना यार। हाँ ऐसे बोलो ना, झगड़ने में तो बहुत ज्यादा स्पीड मारती हो, बात करो तो। अच्छा जोर से बोलो तो ए दे दो हमको ना। अच्छा ये दे दो ए दे दो हमको ना। हाँ क्या है ये? निकलती नहीं है यार। हाँ अच्छा ये लो फातिमा। क्या फातिमा भूल गई आप? हाँ
अच्छा चलो शुरू से जी, मुझे नहीं उतर के अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, तो हम लोगों को उम्मीद है तो आप लोग हमारा फिल्म पसंद के हम लोग जो भाई बहन आते दे दे अल्लाह भी उस लोगों को आबाद रखे, खुश रखे, हमेशा इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों को साथ फिल्म भरेगा तुम तो आप लोग देखो। अच्छा फातिमा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे हर वक्त एक चीज के लिए बोलती थी, तो अगर आपको अच्छा किसको बोलूं? हाँ तो मुझे बोलती थी, लेकिन वो चीज मैं लेकर आया, लेकिन आंखें बंद करो पहले, ऐसे ऐसे हाथ रखो, नहीं 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 ऐसे 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 रुको, हाँ मैं खुद हटाऊंगा, आंखें नहीं खोलना, अब खोलो ना, खोलो खोलो आंखें खोलो, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। हाँ ये कहती थी ना आप, आपको पसंद है ना, हैं तो मैं ये लेकर आया हूँ, लेकिन इसका पीना भी नुकसान भी है, पता है? नुकसान है। हाँ अगर एक दिन नहीं मिला ना, हाँ सर में चक्कर देगा, चक्कर तो देगा, तो चाय के एक ज्यादा नशा है, तो क्यों ये लेती हो, क्यों आपने कहा के लेके है? नहीं तो ये बुरी बात है ना, एक चीज की आदत ना पड़े ना, मजा है तो फिर सजा भी तो है ना, अब अगर कहीं निकल गए कहीं सफर में गए और तुम्हें ये चीज ना मिले तो बर्दाश्त करती है इंसान, अगर बर्दाश्त भी ना हो तो बर्दाश्त ना हो चाय पिएगा तो। चलो बहरहाल ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, और एक आंखें बंद करो फिर से, बंद करो ना, बंद। और जी फातिमा ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो जी ये मैं लेके आया हूँ फातिमा के लिए गिफ्ट, पर्स लेके आया हूँ, जाएगा घूमने के लिए, पैसा अच्छा खरीद करेगा ना। अच्छा क्या क्या इसमें रखोगी फातिमा? देखो ये मैं पसंद से अपने पसंद से लेके आया हूँ आपके लिए, मियाँ बीवी में मेहरबानी की जगह नहीं होती, बहरहाल मेहरबानी भी है ना, वो शोर जब बीबी को याद करती है, नहीं नहीं मेहरबानी मेहरबानी याद करती है फातिमा। क्या क्या रखोगी यार इसमें आप, ये देखिए ये अंदर से ऐसा ही है, चलो बहरहाल अल्लाह आपको नसीब करे ये भी वो भी और खुश रहो। तो आप नेस्कैफे नहीं पिएगा? जब इसकी आदत इतनी बुरी है, कहती हो कि इंसान को जब ना मिले तो फिर वो मगज चक्कर देगा। देखो मैं तुमको इतना ज्यादा रोज नहीं देगा तो कभी कभी आपको देगा, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन रोज पीने से नुकसान है, रोज पीना तो मैं पिएगा क्योंकि इसमें कैफीन की तादाद ज्यादा होती है, कहते हैं कि इसमें ना नहीं पीना चाहिए। बहरहाल आपने मुझे कहा, बहुत दफा कहा, मैंने कहा यार पता नहीं आपके दिल में पता नहीं क्या आएगा, कहोगी कि यार देखो एजाज को मैंने कहा कि मेरे लिए एक चीज लेकर आओ, नहीं लेकर आया, आपने मुझे तकरीबन तकरीबन एक डेढ़ महीने से ऐसे बोला था आपने कि ये लेकर आओ, तो मेरे जहन में था मैं लेकर आऊं या ना, इसके नुकसान सुनो ना, मेरी बात सुनो, इसके नुकसान को देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि आप ना खाओ, फिर अगर अल्लाह मेरे चाय की कैसा आदत है, लेकिन ये अगर दूध नहीं मिले। चलो वीडियो लंबी हो रही है, अपने बहन भाइयों से इजाजत लो, और इंशाल्लाह बाहर जाएगा फिल्म भरेगा इंशाल्लाह। कहाँ जाओगी? जाएगा एक जगह घूमने के लिए इधर। छोड़ो फातिमा, कभी कहती है गाजर का हलवा बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों को ऐसे बोलती हो, वो इंतजार में घर के अंदर नहीं होती, नहीं वो इंतजार में होती है, तो गाजर का हलवा क्या उधर रास्ते में बनाओगी? तू तो खरीद के लेके आया। हाँ तो यार आप मुझे बोलो ना। चलो कल सुबह दूध खरीद कर रो, पिस्ता बादाम खरीद कर रो। पिस्ता बादाम नहीं है मेरे पास, नहीं महंगे हैं, महंगे 50 रुपया। हाँ ऐसे बोलो 50 रुपए की खरीद करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा। अच्छा तुम मुझे क्या बोलती हो, क्या डायलॉग मारती हो, क्या बोलती हो, मैं तुमको क्या करूँगी ऐसे ऐसे क्या?
क्या बोलती हूँ महात्मा, मैं तुमको क्या करूंगी? टुकड़ा टुकड़ा इनको मैं छेड़ता हूँ या कोई बात पे ना, तो ये मुझे बोलती है मैं तुमको ना टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी अच्छा मुझे टुकड़े टुकड़े करोगी प्रार्थना? अच्छा मुझे, मेरी बात आप मुझे टुकड़े टुकड़े, हाँ तू मेरी जिंदगी है, तू ही ख्वाब, तू ही चाहत, तू ही आखिरी है। कौन है? पहला अल्लाह, तेरा है कौन है? पहले अल्लाह है, लेकिन मेरा तुम्हारे बाद कौन है? तो है ना मेरा, मैं तुम्हारा तुम हमारा और क्या, मैं तुम्हारा तुम हमारा, हम तुम्हारा। सही के पसंद करो, भाई देना, पहला अल्लाह बाद तुम लोगों को है। आप लोग इंशाल्लाह हम लोग को साथ दे दो, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, हमारा भी दुआ है। मुझे भी दो ना, इतना लग गई हो, आप अपनी चीजें संभालो, तो ये गिर रही है। चिपकी हुई है जिंदगी, रह गया कल इंशाल्लाह अपना और बनाएंगे। अच्छा अल्लाह, अच्छा चले जी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी उम्मीद पे जो है ना आपसे इजाजत चाहेंगे कि एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। और लास्ट में यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और आप बहन भाइयों का प्यार देख के हमारे दिल जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और बहुत दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।